हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। एंड वेलकम टू डे टू ऑन अंडमान। और आज हम जाने वाले हैं रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड। सो रॉस आइलैंड में कुछ पुरानी ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग्स है जहाँ जो हम देखेंगे, और नॉर्थ बे आइलैंड में हम कुछ वाटर स्पोर्ट्स करेंगे। सो जो भी करेंगे आपको दिखाता हूँ मैं। कल डे वन में हमने सेल्युलर जेल देखा और यहाँ पे कॉर्बिन्स को बीच देखा, लेकिन ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ नहीं थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाया डे वन का। बस कल हम फ्लाइट से लैंड हुए और फिर आधा दिन वी जस्ट एन्जॉयड हियर सेलुलर जेल, और इवनिंग में वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो है वो देखा, दैट वॉज़ वेरी गुड। सो अभी अभी हम आ गए हैं यहाँ पे फेरी पॉइंट पे, जहाँ से हम रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड की फेरी करके यहाँ आज का टूर करके आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप आपने देखा वीडियो में, हम सी वॉक करके आ गए हैं। अंडर वाटर वॉक करना था और कोरल्स और बहुत सारे फिश भी दिखे, क्लाउन फिश दिखा। सो इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अराउंड 15 मिनट्स का सी वॉक होता है ऑन द सी बेड। सो इट इसका कॉस्टिंग है 3,500 रुपीज़। और अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा है फॉर पर कपल, और फोटोग्राफी इसमें इंक्लूडेड होता है। सो यहाँ पे नॉर्थ बे आइलैंड में है अभी हम, तो सी वॉक कर सकते हैं आप, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, या फिर स्नॉर्केलिंग का ऑप्शन भी है यहाँ पे, या फिर डॉल्फिन बोट है, या फिर एक यहाँ पे क्रूज़ भी है। सो यहाँ पे सब एक्टिविटीज़ है। और अभी हम सब कुछ करके आ गए हैं, चेंज वगैरह कर लिया है हमने, और अभी हम खाने वाले हैं फिश फ्राई। एक छोटे से रेस्टोरेंट में यहाँ पे आ गए हैं, सो फिश फ्राई ट्राई करते हैं कैसा है। सो दोस्तों, हमारा सुरमई फ्राई आ गया है, ये देखिए कितना बड़ा है। और इसका कॉस्ट है 550 रुपीज़, लेकिन 550 रुपीज़ में काफ़ी बड़ा साइज़ है, देखिए ऑलमोस्ट टू इक्वल टू टू सुरमईज है ये। सो इसमें थोड़ा सा नींबू मस्त डालते हैं, और
सो दोस्तों, अभी हम हमारे दूसरे लोकेशन पे आ गए हैं, रॉस आइलैंड, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ये भी इसे कहते हैं। और ये है ब्रिटिश कालीन इनका हेडक्वार्टर था जब ब्रिटिश यहाँ पे आए थे। सो यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रिटिश पीरियड बिल्डिंग्स है। अभी इसके कुछ अवशेष बचे हैं जो सुनामी की वजह से ये काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे, लेकिन जो कुछ बचा है वो हम देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए मेरे पीछे, ये सब खुले घूमते हैं ऐसे, हिरन है, ये देखिए ये सब खुले घूमते हैं, और इनसे आपको कोई ख़तरा नहीं है, बस आपको इनको ज़्यादा छेड़ना नहीं है। ये देखिए, और इसके हिरन के साथ साथ यहाँ पे मोर और खरगोश भी काफ़ी सारे दिख जाएंगे आपको। ये डरते नहीं है हमसे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, आराम से घूमते हैं यहाँ पे।